प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को 3 और नई वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात दी है। रांची वाराणसी वंदे भारत बिहार यूपी होकर चलेगी, जबकि पटना जंक्शन से लखनऊ वाया अयोध्या वंदे भारत ट्रेन चलेगी। इसके अलावा पटना न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत ट्रेन चलेगी। इन तीनों नई वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत के साथ बिहार में अब 5 वंदे भारत ट्रेनों का परिचालन शुरू हो गया है। पटना से लखनऊ के बीच शुरू हुई वंदे भारत एक्सप्रेस करीब 6 घंटे 20 मिनट में अयोध्या पहुंचेगी, वही लगभग 8 घंटे 40 मिनट में लखनऊ पहुंचेगी। इस ट्रेन की शुरुआत के साथ बिहार और उत्तर प्रदेश के रेल यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। रेलवे बोर्ड ने पटना से लखनऊ के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस के सफल ट्रायल रन के बाद उसके संचालन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सप्ताह में 6 दिन ये ट्रेन चलेगी, सिर्फ बुधवार को ये ट्रेन नहीं चलेगी। इस ट्रेन का प्राइमरी मेंटेनेंस रोजाना पटना में होगा। इस ट्रेन के चलने से पटना से पंडित दीनदयाल उपाध्याय की दूरी 2 घंटे 35 मिनट में पूरी होगी, जबकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से लखनऊ की दूरी 6 घंटे में पूरी होगी। इससे यात्रियों को काफी सहूलियत है। वंदे भारत एक्सप्रेस पटना से चलकर 6:16 पर दानापुर, 6:43 पर आरा, 7:23 पर बक्सर और 8:40 पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पहुंचेगी। इसके बाद 9:30 वाराणसी, दोपहर 12:35 पर अयोध्या और दोपहर 2:45 पर लखनऊ पहुंचेगी। लखनऊ से वंदे भारत एक्सप्रेस दोपहर 3:30 खुलकर शाम 5:20 पर अयोध्या, इसके बाद रात 8:15 पर वाराणसी, 8:50 पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, 9:45 पर बक्सर, 10:35 पर आरा, 11:07 पर दानापुर और रात के 11:45 पर पटना पहुंचेगी। बिहार और बंगाल के बीच अत्याधुनिक वंदे भारत एक्सप्रेस के शुभारंभ से दोनों राज्यों के लोग बढ़ी हुई गति और आराम पूर्वक तेज यात्रा का अनुभव कर रहे हैं। ट्रेन संख्या 02233 न्यू जलपाईगुड़ी पटना वंदे भारत एक्सप्रेस न्यू जलपाईगुड़ी से 9:00 प्रस्थान कर अपने गंतव्य पटना जंक्शन 5:30 शाम को पहुंचेगी। 14 मार्च से दोनों ट्रेनें दोनों ओर से लगभग 471 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए लगभग 7 घंटे में अपने गंतव्य पहुंचेगी। 8 कोचों वाली इस वंदे भारत ट्रेन में 530 लोगों की बैठने की क्षमता है। इसमें 1 एग्जीक्यूटिव क्लास, 5 चेयर कार और 2 ड्राइवर ट्रेल कोच हैं। न्यू जलपाईगुड़ी पटना जंक्शन के बीच कैटरिंग शुल्क रहित ट्रेन यात्रा का किराया एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए 2,080 रुपये और चेयर कार के लिए 1,040 रुपये, जबकि कैटरिंग शुल्क सहित क्रमशः 2,250 रुपये और 1,180 रुपये होगा। न्यू जलपाईगुड़ी से वंदे भारत 5:15 पर खुलेगी, जो कटिहार 7:45 पर पहुंचेगी और आगे के लिए 7:50 पर रवाना होगी। इसके बाद ये ट्रेन पटना जंक्शन पर दिन के दिन 12:10 पर पहुंचेगी। वहीं पुनः न्यू जलपाईगुड़ी के लिए दिन के 1:00 पटना जंक्शन से खुलकर शाम के 5:35 पर कटिहार पहुंचेगी और आगे के लिए 5:40 पर प्रस्थान करेगी, जो न्यू जलपाईगुड़ी 8:00 रात में पहुंचेगी। इस दौरान ट्रेन का ठहराव किशनगंज, नौगछिया, खगड़िया, बेगूसराय, मोकामा, बख्तियारपुर और पटना सिटी में होगा। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।